लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ में सरकार ने दरअसल मांगा है आईएएस अफसरों से ब्यौरा, 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा दें। सभी आईएएस अधिकारी अफसर संपत्ति का ब्यौरा उन्हें देना होगा, नियुक्ति विभाग ने जारी किया है निर्देश। तो हर साल की माफिक इस बार भी 31 जनवरी से पहले सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। हमारे रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, सभी आईएएस ऑफिसर से यह अब रिवायत बन चुकी है कि उनका 31 जनवरी से पहले पहले संपत्ति का ब्यौरा आना चाहिए, लेकिन इसमें कई घालमेल भी हमने देखे, इस बार कैसे चल रहा है? बिल्कुल, देखिए कुलदीप, इसको समझने की कोशिश करें तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से पहले ही इस बारे में साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर साल जो आईएएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, और ये ब्यौरा ऑनलाइन दाखिल करना बेहद जरूरी है। इसका जो विवरण है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद तमाम ऐसे अधिकारी हैं अलग अलग कैडर के, चाहे वो यूपी कैडर के हों या अलग स्टेट कैडर के हों, कि उनकी तरफ से जो अपनी अचल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया जाता है ऑफलाइन दिया जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें जो पारदर्शिता की जो बात रखी जाती है, इस पूरे संपत्ति के ब्यौरे को लेकर जो पारदर्शिता बरती जाए उसको लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो इसको लेकर फिर दोबारा से एक रिमाइंडर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से उन स्टेट कैडर को दिया गया जहां के जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक ब्यौरा नहीं दिया गया, और इस बाबत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के जो निर्देश है उनके बाबत एक उत्तर प्रदेश की जो नियुक्ति विभाग है उनकी तरफ से भी एक आदेश जारी किया गया कि देर रात ये दिशा निर्देश जारी किए गए कि 31 जनवरी डेडलाइन तय की गई है कि जब यूपी कैडर के सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, ऑनलाइन इस ब्यौरे के जो विवरण है वो उनको मुहैया कराना होगा। इस बात को लेकर सख्त दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए। जी कुलदीप, शुक्रिया हरेंद्र चौधरी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।